हेलो एवरीवन, फोटोग्राफी इन 5 मिनट्स के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे तीसरे एपिसोड में आपने देखा और जाना कि शटर स्पीड और आईएसओ, वाइड बैलेंस, शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, वाइड बैलेंस, ऑटोफोकस पॉइंट और मीटिंग मोड का क्या काम होता है। दोस्तों, रोशनी एक ऐसी चीज है जिसके बिना फोटोग्राफी की कल्पना ही नहीं हो सकती। और रोशनी का एक्सीलरेटर जब फास्ट होता है, यानी सनराइज और सनसेट के समय ये धीमा पड़ता है, लेकिन सनराइज और सनराइज होने के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है, ये लाइट का एक्सीलरेटर बहुत फास्ट हो जाता है। फोटोग्राफी की दृष्टि में हम इसे कहते हैं हार्श लाइट। इसलिए फोटोग्राफी को आर्ट के रूप में करने वाले, आर्ट के विषय के रूप में काम करने वाले फोटोग्राफी में चाहते हैं कि हम इन्हीं दोनों गोल्डन आवर्स में फोटो करें, यानी सुबह के पहले 2 घंटे और शाम के आखिरी 2 घंटे। लेकिन मीडिया में रहने के नाते हमें सिखाया गया कि हर रोशनी काम की है, इसलिए आपको हर लाइट में काम करना आना चाहिए, इसलिए हर फोटो में बार बार रिपीट होता है। यही फोटोग्राफी के बेसिक 7-8 चीज है। जब लाइट का एक्सेलरेटर फास्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी बाइक से जोड़ते हैं, कार से जोड़ते हैं। अगर हम अपनी बाइक से जा रहे हैं और हमारा एक्सेलरेटर फास्ट है, हम तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, सामने अचानक कुछ भी अगर आता है तो हम क्या करते हैं, क्लच और ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। सेम विद द लाइट्स, अगर लाइट का एक्सेलरेटर बहुत फास्ट है तो हम उस लाइट के एक्सेलरेटर को कंट्रोल करने के लिए शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, वाइड बैलेंस जैसी चीजों से उसे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए फोटोग्राफी के डिफरेंट जॉनर से लाइट इन सब की गॉड है। बिना लाइट के कल्पना नहीं है फोटोग्राफी की। ये सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये इस लॉन्ग जूम से भी शूट किए गए हैं, ये वाइड एंगल लेंस से भी शूट किए गए हैं। इसके अंदर लेफ्ट के लेंस के डिफरेंट जॉनर्स हैं। ये सारी पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, एक्शन शूट करना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जॉनर हर चूज करता हूँ, हर जॉनर में शूट करना पसंद करता हूँ। ये तो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये आगरा एक्सप्रेस वे पे टच एंड डाउन, यानी फ्लाई एंड डाउन एयरफोर्स का ये शो हुआ था रोड पर, और फाइटर जेट्स आते थे और सड़क को छूटे चले जाते थे। इन सारी पिक्चर्स में ये खासतौर पर विंटर्स में हुआ था। विंटर्स में लाइट हमारे लिए कभी कभी बहुत अच्छी नहीं मिलती, सुबह के समय थोड़ी धुंध होती है, दोपहर चलते चलते कुछ धुंध कुछ कम होती है, लेकिन आप अगर अपनी सही लाइट चल लेते हैं तो फिर आपको ये सारे शॉट्स मिलते हैं। ये 24-105 लेंस से शूट किया गया है और इसमें भी कैनन गैजेट्स हैं, और ये हर खुले सबसे बड़ा प्लेन है, खासतौर पर ये 24mm के लेंस से शूट किया गया है। ये अभी आपने पिक्चर देखा वो था डे लाइट, और अब है आर्टिफिशियल लाइट, यानी आर्टिफिशियल लाइट और स्टेज लाइट सारे मिक्स शॉट है। एक ही देखिए वाइड एंगल लेंस का कमाल, प्लेन जा रहा है और इंडिया का फ्लैग हमने उसको साथ में कंपोज किया हुआ है। यानी ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि सिर्फ आपको देखना आ जाए तो शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, वाइड बैलेंस, मीटिंग मोड, सारे 7-8 चीजें आप सेकंड 100 में हिस्से में आप सेट कर लेंगे। बस आपने सेट कर दिया तो शूट मोड जाने आज फिर से। शूट मोड आपके पास है पी4 प्रोग्राम, यानी कैमरा लाइट को लेकर पहले से प्रोग्राम किया गया है। आप शटर बटन हाफ प्रेस करते हैं, वो तुरंत आपको एक्सपोजर कैलकुलेट करके बता देता है। शटर पैटी में सिर्फ आपको शटर स्पीड सेट करनी होती है, बाकी सारी सेटिंग करने के बाद कैमरा लाइट के अकॉर्डिंग अपर्चर खुद सेट करता है। अपर्चर पैटी मोड आपकी हेल्प करता है खासतौर पर लैंडस्केप में, टेक्सचर में, पोर्ट्रेट शूट में, नेचर में। और उसके बाद आता है M4 मैनुअल, यानी यू कैन सेट योर शटर स्पीड एंड अपर्चर बोथ इंक्लूडिंग द ऑल सेटिंग्स रिगार्डिंग आईएसओ, वाइड बैलेंस, शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, मीटरिंग मोड। फोटोग्राफी की कॉमन टर्म्स जो हर फोटो में रिपीट होता है, जिस तरह किचन में हमारे कुछ चीजें बार बार रिपीट होती हैं। एक अच्छी फोटो बनाना कहते हैं एक अच्छी डिश बनाने जैसा होता है, इस तरह डिश बनाने में तमाम चीजें यूज होती हैं, से यहाँ फोटोग्राफी में भी रिपीट होती है। ये आपको ये बता दूं, ये जो भी पिक्चर गई इस बच्चे की, ये हम लोगों ने 2010 में यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट शूट किया था और उसके अंदर इसे 3.2 मेगापिक्सल से कैमरे से शूट किया गया था और उस कैमरे का ये रिजल्ट है। सवाल आपको देखना आता हो तो आपका मोबाइल भी कम नहीं है। अभी धीरे धीरे हम मोबाइल पर भी उतरेंगे, अभी फिलहाल लेकिन SLR फोटोग्राफी के टिप्स 5 मिनट्स में हम आपको तमाम जानकारी देते जाएंगे और आप जानेंगे कि कैसे हम इजीली टिप्स से हम अच्छी फोटो कर सकते हैं। मेरा दावा है कि अगर आपने हमारी बातें सुन ली ध्यान से और कैमरा आपके पास है तो आप शूट, ये भी फोन की फोटो है, ये भी फोन की फोटो है, सारी इसमें इसमें SLR के नहीं है, तो आप ये सारी टेक्निक्स जान लें अगेंस्ट लाइट। और ये आंखों के साथ हमारे लेंस का क्या यूज है, ये भी आप मोबाइल का एक शॉट आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको दिखना चाहिए, दीज आर द ज्योमेट्रिकल कंपोजिशंस अगेंस्ट द लाइट, लाइट एंड शेडो, लाइट एंड शेडो ही फोटोग्राफी का आधार है। तो फोटोग्राफी के इस चौथे एपिसोड में फोटोग्राफी टिप्स इन 5 मिनट्स में त्रिलोचन एस कार्ला आपसे लेते हैं विदा। इजाजत हुई तो फिर होंगे हाजिर। थैंक यू।